अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सब भी खैरियत से होंगे। और इसकी तो आंखें ही नहीं खुल रही ना। तो हम लोग किधर जा रहे हैं? हम लोग यार शहर जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम गया और 10 बज रहे हैं यार। इन लोगों ने प्लान, जैसा कि हमेशा होता है, प्लान बना था सुबह 7:30-8 बजे का। 8 बजे का, और इस टाइम 10 बज गए। 10 बजे ये लोग हाजिर हुए। तू नहीं उठिया पहले, मैं कहता तू फोन नहीं चुकिया। बहरहाल अब इन्होंने एक दूसरे को ब्लेम करना है, वो छोड़े कि आए हैं। अब हम लोग नाश्ता करने चलते हैं। किसका नाश्ता करना है उस्मान भाई? शेख का नाश्ता फैसलाबाद के मशहूर नाश्तों में से एक है। तो वो नाश्ता करने के लिए हम लोग जा रहे हैं उधर जाके। बाकी आपको भाई ये क्या हुआ है? सुबह 8 बजे आपने आपको कहा था मेरा नफा बना है। अब देख लो टाइम भाई, अब रैंक हो एप्लीकेशन कर लो के दम तालियां बजाओ। यार क्या यार, व्हाट द हेल ऑफ दिस यार, अब मैं क्या करूं यार। अब आ जा टेस्ट से अच्छा यार तू बकवास बंद कर, चल घर। पहुंचे जी घंटा घर, लेकिन यहाँ पे जो है वो प्रैंक हो चुका है। प्रैंक हो चुका प्राचो, दौरा जो पाड़ा वो बता दे किसने। चले नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से प्राचो को दौरा थोड़ी थोड़ी देर बाद झटका कर रहे हैं। तो कुछ और ही समझ रहा था ये। अभी हम लोग उधर जा रहे हैं, अब डी ग्राउंड वाली साइड पे, वहाँ तो फिर नाश्ते चलते ही रहते हैं। लेकिन हमारा पहले दिन था कि चलो शायद हम लोगों को घंटा घर से मिल जाते, लेकिन यहाँ से मिले नहीं है, इसलिए अब हम जा रहे हैं। हिला दो कैमरे में, आप लोग भी हिला दो। तो जी हम लोग फिर के शहर से निकले हैं। रास्ते में काफ़ी नाश्ते वाले थे, लेकिन उनसे ट्राई किए हैं, उनका मतलब वो सीन नहीं बन रहा था हमारा। तो फाइनली हम लोग पहुंचे हैं जहाँ पे हम लोग अपने कॉलेज टाइम पे नाश्ता किया करते थे। तो ये पीछे है बिल्कुल, ये पहले टेक्निकल कॉलेज के सामने नहीं ख्याल के हीरो फैसलाबाद में कोई ऐसा बंदा हो जिसने हीरो से नाश्ता ना किया, वो पहले ही होते थे वहाँ पे। पहले होते थे टेक्निकल कॉलेज के बिल्कुल सामने, टेक्निकल स्कूल के। उसके बाद वहाँ से ये लोग शिफ्ट हुए, तकरीबन 1.5-2 साल से यहाँ पे हैं। ये फैसलाबाद डॉक्टर सोसी, इसके बिल्कुल सामने ही होना। आपको जाके सीन चेक कराता हूँ, गेम चेक कराता हूँ इस बंदे के नाश्ते की। सारा दिन मतलब कि ये तकरीबन 2-3 बजे तक इसका नाश्ता चलता रहता है, और यहाँ पे रश जैसे लगा होता है वैसे का वैसे ही रश होता है इधर। इधर कभी इस तरह नहीं हुआ है कि मतलब हम लोग आए हैं और रश ना हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोगों को जगह मिल गई है। वहाँ पे जाके नाश्ता वगैरह करते हैं और आपको गेम चेक कराते हैं। पूरा तवाई भर दी है कि सर तवे दे विच मतलब की करना चाह रहे हो? मिक्स बना रहे हैं। हाँ जी, मिक्सलीम जने ते कट्ठे ही तैयार कर रहे हो? तवे का साइज में तो अल्ट्रा वाइड की है, मेरा देखने की इतना सा तवा देख, मुझे लगता है वो पूरी देग ही इसके अंदर आ गई। ये देखे पहले उन्होंने जो वो तैयार करते हैं सामान शमान अपना, अंडे और वेजिटेबल्स डाल के वो तैयार किया है। उसके बाद अब ये इन्होंने ये चेक करें, पहले फिर हलीम डाल लिए, हलीम डाल के मिक्स करके अब चने डाले, फुल हो गए। सीन तो अब होना ना जब ये बिल्कुल किनारे तक पहुंच गया और अब इसको इन्होंने बना Oh।
नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग अब ये ज़रा थोड़ी इधर रश बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा साइड पे आए हैं आके। आपको नसर साहब इधर आओ, कैसा लगा नाश्ता भाई? फुल हो गए हैं, अब जगह नहीं है कुछ खाने की। आपने पहले भी नाश्ते किए हुए हैं जो इस नाश्ते का मजा वो किसी का भाई का नाश्ता कैसा था? क्योंकि यार एक सीन हमारे साथ बड़ा बैड हुआ है, जो हम घर से सोच के निकले थे वो तो हुआ नहीं, लेकिन उतना ही मजा इधर आ गया। इतना मजा आया और बहुत मुनासिब सा बिल भी बना है यहाँ पे। हम कोई उसकी प्रमोशन नहीं कर रहे, लेकिन एक चीज आपके साथ शेयर कर रहे उस्मान साहब, मजा आया है। तो हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है, यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो का एंड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। उस्मान साहब बंद करना चाह रहा हूँ। अल्लाह।